नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। आप सभी के साथ एक बार फिर से बाजारों में लाइव उतर चुका हूँ और इस वक्त अगर समय की बात करूँ तो 10:30 हो चुके हैं और मार्केट में हम उतर चुके हैं। आप सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सिचुएशन क्या है मार्केट की आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूँ। उमरा गेट से होते हुए हम सभी मार्केट्स को कवर करेंगे। सामने एक बार सब्जी मंडी अगर आपको दिख रही हो, जैसे सब्जी मंडी कहा जाता था, आज आप देख सकते हैं सुनसान है बिल्कुल। उमरा गेट जहां पर बहुत ज़्यादा रश पाया जाता था, आज वो सुनसान है। आप सभी को लाइव तस्वीरें इस वक्त की मैं दिखाना चाहूँगा। मंडी आप अंदर की देखें तो बिल्कुल सुनसान पड़ी है। आज हम एक नई मार्केट कवर करेंगे और वो नई मार्केट कौन सी है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते थे कि आप उस मार्केट में नहीं आते, क्या आप उसको खांसी की मार्केट में काउंट नहीं करते, तो आप सभी को बताना चाहूँगा बिल्कुल करते हैं। बहुत से लोग इस वक्त में सर लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाया किसी रीज़न की वजह से, और वो रीज़न क्या है वो भी आपको बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। आप सबसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मार्केट की सिचुएशन आपको दिखा देते हैं पहले एक बार। एसडी महिला कॉलेज से आगे की तरफ हम आपको सिचुएशन दिखाएंगे। आप एक बार लाइव तस्वीरें इस वक्त की देख लीजिए। आप देख सकते हैं अखबार के पीछे अपना मुंह कर लिया गया है, किस कारण से नहीं पता, आप खुद देखिए। देखिए ग्रुप में यहाँ लोग बैठे हैं और देखते ही कैमरा देखते ही लोग इधर उधर हो गए। सिचुएशन आप देख सकते हैं इस वक्त। बजरंग आश्रम के पास की मार्केट है और जो दुकानें खुली हैं आप खुद देखिए। आपको सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त की लाइव। बहुत से लोग इस वक्त में सर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं कमेंट बहुत जल्दी लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा दूँ खांसी शहर की। आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखाना चाहूँगा खांसी शहर की। आप सबसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गौतम वर्मा कह रहे हैं राम राम जी, राजेश फुलानी कह रहे हैं हेलो, अमित अभी कटारिया कह रहे हैं न्यू बस स्टैंड रोड पर आओ आएंगे सर, दीपक सैनी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग जी, सोना राजपूत कह रहे हैं भाई कालदेव मंदिर के पास, विजय कुमार ढिल्लो कह रहे हैं भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम सर। आप सभी को गुजारिश करूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं आपके अपने चैनल गुफ्तगू पर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दुकानदार एक बार फिर से फंसे हैं। गौतम वर्मा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कुछ दुकानदार एक बार फिर से फंसे हैं। दुकान खोले पाए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वो दुकानदार फरार हो गए। आप सबको इस वक्त इस टाइम इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हम अम्बेडकर चौक से बर्सी गेट की तरफ जाएंगे और आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसको अंबेडकर चौक से होते हुए हम बर्सी गेट की तरफ चल रहे हैं। सामने एक और दुकान खोलते हुए नजर आए मुझे। नितिन सहगल कह रहे हैं मार्केट में जो भी शॉप के बाहर हैं उसकी शॉप ओपन है चिराग भाई। बिल्कुल सर, मैंने भी देखा अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं तो कोई कस्टमर आया तो उनको जल्दी से अटेंड करा जाता है अंदर ले जाकर, मैंने चीज़ देखी है सर। कृष्ण मल्होत्रा कह रहे हैं ओके। गौतम वर्मा कह रहे हैं न्यू सब्जी मंडी की तरफ भी
न्यू सब्जी मंडी कहाँ, कोर्ट की तरफ सर? अगर वहाँ है तो ज़रूर आएंगे सर। सन्नी पसरीजा गुड भाई, थैंक यू सो मच सर। सर पाल ओला कह रहे हैं गुड जॉब भाई, थैंक यू। गौतम वर्मा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर गौतम वर्मा। राम राम भाई। राजेश पुलानी हेलो। आप सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विपिन सोनी कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू। मोनू सैनी कह रहे हैं जो, नरेश सैनी कह रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे भी एक तस्वीर देख लीजिए, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ दुकान खुली नज़र आ रही है मुझे और कस्टमर्स अटेंड किए जा रहे हैं। और सिचुएशन इस वक्त की आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, लाइव तस्वीर इस वक्त की दिखा रहा हूँ हांसी शहर की, लाइव तस्वीर इस वक्त आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। आप लोगों को लाइव तस्वीर इस वक्त की दिखाना चाहूँगा। पुलिस की टीम भी पूरा एक्टिव नज़र आ रही है, अलर्ट नज़र आ रही है। अगर कोई दुकान ऐसे खुली पाई जाती है तो उनको बंद भी कराया जा रहा है और अब केस भी किए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 188 के तहत, 188 धारा 188 के तहत उनके खिलाफ केस किए जा रहे हैं लॉकडाउन को फॉलो ना करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें। बर्सी गेट भी मुझे ज़्यादा रश नज़र नहीं आया, सिचुएशन कंट्रोल में है। हालांकि ट्रैफिक अभी भी है, ट्रैफिक जो है वो अभी भी है। आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं, फर्नीचर मार्केट जिसे कहा जाता है उस रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप सभी से साथ साथ गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप इसको शेयर कर दीजिए। तो लाइव तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ आपके हांसी शहर की। आप देख सकते हैं लोग घरों के बाहर बैठे हैं, बाइकों पर चल रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न है? क्या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए या इमरजेंसी के लिए मार्केट में है या बेवजह घूमा जा रहा है, तो वो देखने वाली बात है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और समय हो चुका है 10:36, सिर्फ 24 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने में और देखने वाली बात ही होगी कि क्या लोग टाइम से दुकानें बंद करेंगे। पुलिस की टीम इस वक्त उमरा गेट चौक पर मौजूद है, वही चेकिंग की जा रही है और चलान बुक हाथ में है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, आप रश देख सकते हैं उमरा गेट चौक से, आप रश लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस रोड पर रश काफी ज्यादा देखने को मिला। आप देखिए इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बप्पी जैन कह रही नई सब्जी मंडी में वीडियो लाइव दिखाएं, बिल्कुल दिखाएंगे सर, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, लाइव वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ की मार्केट में आपको लाइव दिखा दूँ। मुझे आगे पुलिस की एक टीम नज़र आ रही है, सामने आप देख सकते हैं मुझे पुलिस की टीम नज़र आ रही है। रोड तो क्लियर किया जा रहा है, सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा रहा है। आपको मैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मार्केट में टीम उतर चुकी है और साथ साथ रोड क्लियर कराई जा रही है। सिटी SHO साहब भी मौके पर मौजूद हैं और आपको लाइव तस्वीर इस वक्त की मैं दिखाना चाहूँगा। रेडियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीर इस वक्त की, आप देखिए रेडी वालों को बुलाया गया क्योंकि रेडी का इस एरिया पर रेडी काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी, तो जैसे पुलिस की टीम आती दिखी तो वो भाग गए।
आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। साथ साथ आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अंदर भी कुछ रेडियाँ खड़ी हैं और यहाँ से सीधा अगर हम बात करें तो हिसार चुंगी की तरफ जाते हुए रोड, और टीम पूरी मार्केट का जायज़ा ले रही है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा रिक्शा वाले को कहा गया कि जाइए आप। राहुल जैन कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। अंकुश सिंगला कह रहे हैं चोपटा से बरसी गेट की शॉप के माल बेचा जा रहा है। कमल कुमार कह रहे हैं भाई 38 हो गए, क्या 38 हो गए सर। केशव गर्ग, पप्पी जैन, इस वक्त बहुत से लोग सर लाइव जुड़ चुके हैं और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आप देख पा रहे हैं सी एस आपके जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो खुद मौके पर हैं, सिटी एस एच ओ साहब भी हैं पूरी टीम के साथ। पुलिस की अगर टीम की मैं बात करूँ तो इस वक्त 3 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त की। सोनू ठकराल मेरे साथ जुड़े हैं, कृष्ण अतीजा मेरे साथ जुड़े हैं, सोमवीर गरेवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सिंह आग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गगन बहार जुड़े हैं, कुसुम शर्मा जुड़े हैं, रिंकू गिरदा जुड़े हैं, अजय जाट, बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को दिखाना चाहूँगा इस वक्त टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और किस तरफ जाएंगे ये देखने वाली बात है। आपको उससे पहले हम शहर की लाइव तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए टीम यहाँ से चल चुकी है और इस वक्त रोड बिल्कुल क्लियर है, आप खुद देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई रेडी वाला रोड पर मौजूद नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त की लाइव, पुलिस की गाड़ियाँ जाते हुए और पीछे SHO साहब की गाड़ी भी मौजूद है, तो सभी गाड़ियाँ जाते हुए। आप सबसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की भी अगर कोई राय है या कोई एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। केशव गर्ग कह रहे हैं चोपटा बाज़ार की लाइव वीडियो दिखाएंगे सर आपको, बिल्कुल दिखाएंगे। सोनू त्यागी कह रहे हैं भाई जी राम राम। सुंदर श्याम सचदेवा कह रहे हैं वेरी नाइस। जतिन तनेजा कह रहे हैं भाई बिजली घर के सामने वाली गली में दिखाओ। कमल खुराना कह रहे हैं हाँसी में कितने केस आए हैं आज सर। पूजा मनोजा मेरे साथ जुड़े हैं, एक्सीलेंट वर्क ब्रो थैंक यू। कमल माई कह रहे हैं ग्रेट वर्क। शिवाय मनोजा मेरे साथ जुड़े हैं। सर हाँसी के केसेस की जो अपडेट है वो मेरे तक आ चुकी है और लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी कुछ ही देर में लाइव वीडियो के माध्यम से ही। और मैं आपको बताना चाहूँगा हिसार डिस्ट्रिक्ट में कम से कम अगर आज मैं बात करूँ तो केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, केसेस बहुत बढ़े हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में अगर हम बात करें तो वो कितने बड़े हैं आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। हाँसी के विधायक विनोद खाना जी के घर के सामने से होते हुए टीम जा रहे हैं और आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पंकज चराया कह रहे हैं चोपटा बाज़ार के दिखाओ, दिखाएंगे सर। गोरू गोरू अरोड़ा कह रहे हैं राम राम भाई, राम राम सभी को राम राम। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिए, हाँसी के लोग जुड़ जाएं सभी लोग क्योंकि इस वक्त टीम बाज़ार में निकल चुकी है और आप लोगों को लाइव तस्वीरें सबसे मैं दिखा रहा हूँ। बस स्टैंड की तरफ मुझे लगता है गाड़ी को मोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल बस स्टैंड की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया गया है। सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं बैरिकेडिंग किस तरीके से करी गई है हिसार चुंगी पर। ये चौक आप देख पा रहे हैं पुलिस की तैनाती है और कैसे बैरिकेडिंग की गई है, हर गाड़ी की हर बाइक वाले की चेकिंग की जा रही है। आप सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम टीम को बिल्कुल फॉलो करते हुए उनके साथ चल रहे हैं, तीन गाड़ियां मार्केट में मौके पर है,
सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। मंगल शर्मा मेरे साथ, मंगल सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। लोकेश पुराना कह रहे हैं लॉकडाउन आगे बढ़ेगा क्या? सर अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो भी गाइडलाइन आएगी वो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगा उस जल्दी। सबसे पहले आप अपने चैनल गुप्तगू पर ही देख पाएंगे। टीम इस वक्त आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ टीम की, जाट धर्मशाला के बिल्कुल सामने टीम है। और क्या ये नई सब्जी मंडी बजरंग आश्रम की तरफ मुड़ेगी या ये सीधा जाएगी, ये देखने वाली बात है। गाड़ी को नहीं मोड़ा गया, गाड़ियों का काफिला सीधा ही जाएगा, लेकिन रोका जरूर गया है। चलिए मैं आप लोगों को पहले लाइव तस्वीरें शहर की दिखा देता हूँ। हांसी की लाइव तस्वीरें बस स्टैंड को कवर करेंगे हम। जतिन पुराना कह रहे हैं ग्रेट वर्क भाई, थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। लाइव तस्वीरें इस वक्त की आप देख सकते हैं। पप्पी जैन कह रहे हैं आप अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे हो, हांसी शहर आपके आसपास के क्षेत्र की ताज़ा अपडेट दिखाते रहते हैं, थैंक यू सो मच सर। सौरभ शर्मा कह रहे हैं हेलो सर, सभी को हेलो सर। आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। मार्केट आप देख सकते हैं इस वक्त की मार्केट, संदीप रोड वगैरह, आई थिंक सिचुएशन इज इन कंट्रोल, गुड कंट्रोल मुझे भी लग रहा है सर, बहुत से लोग मान सकते हैं। और गुलशन गुड कह रहे हैं भाई इसीलिए कहते हैं बाजार खोल दो, नहीं तो लोग सरकार के खिलाफ होंगे, दुकान खोल देंगे। सौरभ उठानी कह रहे हैं अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक दुकानें नहीं खोलनी चाहिए, जब सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तब सरकार खुद दुकानें खोलने के लिए कहेगी, तब आप दुकानें ज़रूर खोलिएगा। और वो एक खुशी होगी क्योंकि काम अच्छा होगा, मार्केट में रौनक होगी, सभी लोग बिना डरे सामान ले सकेंगे। मुझे लगता है कुछ समय हमें घर रहकर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको बस स्टैंड के सामने का नज़ारा मैं दिखा दूँ, बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं इसकी लाइव तस्वीरें। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, प्रेम सूर्या कह रहे हैं बी सेफ सर जी, राहुल जैन कह रहे हैं अभी भी मार्केट में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिल्कुल सर। नवीन जिंदर कह रहे हैं नाइस कीप इट अप, थैंक यू सो मच सर। मैंने देखा सर बहुत से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रिपलिंग की जा रही है, ये मैंने देखा है। इस वक्त की आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हांसी शहर की। विकास जैन कह रहे हैं हेलो चिराग जी, लॉकडाउन और बढ़ेगा क्या? विकास जी अभी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, जल्दी मुझे लगता है क्योंकि सोमवार सुबह 5 बजे लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। हरियाणा में 2021 का पहला लॉकडाउन जो एक वीक के लिए लगाया गया था, एक सप्ताह के लिए, वो ख़त्म होने जा रहा है सोमवार सुबह 5 बजे। लेकिन क्या इसे बढ़ाया जाएगा, ये सवाल सबके मन में चल रहा है। इसका आंसर तो, इसका रिप्लाई जब भी सरकार के द्वारा मिलेगा, गाइडलाइन आएगी, आप लोगों को सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल पर दिखाऊंगा। राधिका ठकराल कह रहे हैं एक्सीलेंट वर्क, पंकज पुराना कह रहे हैं सब कुछ तो खुला है। जोनी कतूरिया कह रहे हैं दड़ा बाजार भी कवर करो, बहुत सी दुकानें ओपन होती हैं और उसके बाद अंदर हो जाते हैं कस्टमर। सर आज मैंने आपको बताया दड़ा बाजार में पुलिस को एक कंप्लेन मिली, एक कपड़े की दुकान की कंप्लेन मिली, और उसकी दुकान के बाहर जब पुलिस गई तो वो मौके पर नहीं मिले, लेकिन उनके खिलाफ कंप्लेन नोट की गई है। उन्होंने फ़ोन भी लगाया गया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मैंने भी ये चीज़ नोट करी है, लेकिन उन्हें खुद समझना होगा। अजमेर सिंह कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सो मच सर। बंटी बांगा कह रहे हैं गुड, थैंक यू। पंकज खुराना कह रहे हैं सब कुछ तो खुला है। सर जिन्हें अलाउड है वो दुकानें ज़रूर खुली हैं, जिन्हें नहीं है वो नहीं खुली। इस वक्त की आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। सौरभ शर्मा कह रहे हैं सर लॉकडाउन बढ़ रहा है क्या? अभी कोई अपडेट नहीं है सर। अरुण बंसल कह रहे हैं बंद क्या है, सब खुला है। मैं आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं काली देवी रोड की लाइव तस्वीरें इस वक्त की। सबसे पहले आप अपने चैनल को ऊपर देख रहे हैं।
मार्केट में टीम भी मौजूद है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए हर चौक पर, हर चौराहे पर पुलिस की टीम तैनात है, और मुझे लगता है कि सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल में किया भी गया है। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर निकल गए हैं, अच्छे से फॉलो भी किया जा रहा है। सिचुएशन देख पा रहे होंगे, मार्केट काफ़ी हद तक, दुकानें भी बंद हैं, आप देखिए बहुत सी दुकानें मुझे बंद नज़र आ रही हैं, तो एक आधा अगर दुकान खुली नज़र आई। आप देख सकते हैं पंकज पुराना कह रहे हैं चिराग भाई सब लोग घूम रहे हैं बाहर। सर जो लोग घूम रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं घर से बाहर ना निकले बेवजह, अगर ज़रूरी हो तो बिल्कुल आपको जाना है सर, उसके लिए आपको कोई मनाही भी नहीं है सरकार के द्वारा, अगर ज़रूरी नहीं है तो कम से कम घर से बाहर ना निकले। हरीश कक्कर कह रहे हैं सब कुछ खुला है बाजार में, आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप अपने चैनल पर। सिचुएशन मुझे पिछले दिनों के हिसाब से, पिछले दिनों के अकॉर्डिंग कंट्रोल में आती नज़र आई। सुनील सैनी कह रहे हैं सर आप भगत सिंह रोड को कवर करो, बिल्कुल सर करेंगे, भगत सिंह रोड भी कवर करेंगे। जतिन खुराना कह रहे हैं हांसी में एक कोविड हॉस्पिटल ओपन करने की भी अप्रोच करो भाई, पब्लिक फेवर वर्क होगा। बिल्कुल सर, इस चीज़ को भी ज़रूर, इस मुद्दे को ज़रूर उठाया जाएगा, इस आवाज़ को ज़रूर उठाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान ना करे किसी को कोविड हो जाता है तो उनके इलाज के लिए हांसी में पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। इस चौक पर थोड़ा सा रश नज़र आया, कुछ दुकानें हैं उनके बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मुझे थोड़ा रश नज़र आया, हो सकता है इस चौक पर टीम मौजूद ना हो। सदर बाजार मार्केट को कवर करेंगे इसके बाद हम। सिचुएशन आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ हांसी के सदर बाजार की। मार्केट में पुलिसकर्मी भी मुझे मौजूद पाया गया, बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस कर्मचारी यहां पर ही हैं। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक है सर, सब यहां? सिचुएशन आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव, हांसी की कटला मार्केट कहा जाता है, वहां पर पुलिस की टीम तैनात की गई है, दो पुलिस कर्मचारी की, ताकि वहां पर सदर बाजार में कोई दुकान ना खोल सके। संदीप बांगा कह रहे हैं वेरी गुड वर्क, वेरी गुड लक, थैंक यू। राहुल जैन कह रहे हैं कल रेस्ट का था क्या चिराग भाई, लोगों ने काफी वेट किया वीडियोस का, मैं माफी चाहूंगा सर, कोई रीजन था उसकी वजह से, और रीजन अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा तो उसके लिए मुझे आपका सब लोगों का साथ भी चाहिए। उसमें मैं आप लोगों को लाइव तस्वीर इस वक्त की दिखा रहा हूँ हांसी के सदर बाजार मार्केट की। सिचुएशन आप देख सकते हैं, पुलिस की टीम पूरे अच्छे से सभी को पालन करने के लिए बताते हुए। संदीप बांगा कह रहे हैं वेरी गुड वर्क, थैंक यू सो मच सर, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सदर बाजार मार्केट मुझे काफ़ी हद तक बंद नज़र आई, आप देख पा रहे होंगे
कोई भी दुकान अगर खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक बार फिर से उमरा गेट की तरफ जाया जाएगा। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भगत सिंह रोड को कवर कीजिए। बिल्कुल सर, भगत सिंह रोड को कवर करते हैं। पंकज नारंग कह रहे हैं कौन सी जगह है सर? ये इस वक्त हांसी का सदर बाजार है, जिसे मेन बाजार कहा जाता है, और इस वक्त हम सदर बाजार से उमरा गेट की तरफ जा रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम पूरे अच्छे से हर चीज़ को फॉलो करते हुए, और राइडर्स भी अवेलेबल हैं, पुलिस की पूरी टीम गाड़ियों पर भी अवेलेबल है सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। आप देख पा रहे हैं सिचुएशन पूरी कंट्रोल में लाई जा रही है और क्लियर है पूरा ट्रैफिक। अगर आप देखें तो इस वक्त पूरा ट्रैफिक यहाँ पर क्लियर है। कभी आपने ऐसा देखा है कि यहाँ पर ट्रैफिक देखने को हमेशा मिलता था? आप ये देख सकते हैं, ये सब्जी मंडी है, ये सब्जी मंडी कहा जाता था, और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की टीम ने जो किया बहुत अच्छा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। और साथ साथ जो हांसी के विधायक है विनोद भ्याना, उन्होंने जब मंडी को शिफ्ट करने का डिसीज़न लिया, आप देख सकते हैं, मैं मंडी के अंदर की आपको तस्वीरें अगर लाइव दिखाऊं, सिचुएशन आपको मैं मंडी की लाइव दिखाना चाहूँगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ इतना रश देखने को मिलता था आज वो बिल्कुल सुनसान है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ हांसी सब्जी मंडी की, जो मंडी हमेशा रौनक रहा करती थी, जिस मंडी में आज वो बिल्कुल सुनसान नज़र आ रही है। और ये एक तरीके से देखा जाए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए वहाँ अगर शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी की तरफ से। अनिल गुज्जर कह रहे हैं लाल सड़क पर दुकानें खुली हैं, खुली रहती हैं, ओके, उसको ज़रूर कवर करेंगे सर। सिचुएशन आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त की लाइव, और समय की अगर मैं बात करूँ तो 10:57, मतलब कि 11 बजने को ही हैं, 3 मिनट पड़े हैं। और देखने वाली बात यह है कि पुलिस की टीम पहुंचने से पहले लोग दुकानें बंद करते हैं या नहीं। आप लोगों को दिखा रहा हूं लाइव तस्वीर इस वक्त की। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, मैं देख पा रहा हूं। हम यहां के कुछ दुकानदार से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। ट्रैफिक तो बिल्कुल क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल, है ना, काफ़ी रश देखने को मिलता था। कुछ फर्क तो पड़ेगा कोरोना का? बहुत फर्क पड़ेगा जी। पड़ेगा ना सर? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ काम में भी कमी आई है क्या दुकानदारों के? काम तो ऐसे सारा बंद ही पड़ा है सर जी। नहीं नहीं, वैसे कुछ काम में कमी आई है आपकी? मैंने देखा फ्रूट की दुकान है और बंद करवा दी है, एटीएम साहब ने बंद करवा दी, क्या करें? किस चीज़ के लिए भाई? पहले तो इधर सारी मार्केट सब्जी की बना दी ना इन्होंने, जो मोबाइल वाला था वो भी सब्जी की दुकान खोल कर बैठ गया। अच्छा। और जो जितने कंफेक्शनरी वाले थे सारे उसकी दुकान खोल के बैठ गए सब्जी की। कन्फेक्शनरी वाले और मोबाइल वाले भी सब्जी की दुकान खोल के बैठे? टोटली चाय वाले भी जो भी था जी, उसकी दुकान सब्जी की दुकान खोल के बैठ गए। तो इस वजह से एटीएम साहब ने कहा भाई यहाँ भीड़ होगी ज़्यादा, एटीएम साहब ने कहा भाई इनको बंद कर दो, सारी दुकानें बंद, सारी दुकानें बंद, इसकी वजह से। तो अभी अगले आदेश तक सभी दुकानें बंद रहेंगी? हाँ, आप खोल नहीं सकते? ना, जब तक आदेश नहीं आते जब तक नहीं। जी, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। नहीं बस सर, थैंक यू। आप लोगों को एक दुकानदार से बातचीत कराई, हांसी उमरा गेट पर इनकी फ्रूट की दुकान है और काफ़ी जानी मानी दुकान है। और इस शॉप के दुकानदार कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी रश था, कुछ कन्फेक्शनरी स्टोर थे, कुछ मोबाइलों की दुकानें थी, जिन्होंने फ्रूट और सब्जियों की दुकानें खोल ली थी, क्योंकि उन्हें पता था उनका काम कन्फेक्शनरी और उसके लिए तो बंद कर दिया गया है। तो ये तरीका अपनाया गया सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। एसडीएम साहब ने ऐसा कहा कि दुकानें बंद रहेंगी। आप लोगों को भगत सिंह रोड के इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें भगत सिंह रोड की।
आप दुकानों के बाहर देख सकते हैं, मुझे काफ़ी हद तक तो दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। जो भी दुकानें हैं वो असेंशियल सर्विसेज के अंडर जो आती हैं वो दुकानें मुझे खुली नज़र आ रही हैं। मुझे उसके अलावा कोई और दुकान खुली नहीं नज़र आई। आप खुद देख सकते हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें, वो देखिए शटर एकदम से डाउन हुआ, दो शटर एकदम से, तीन शटर एकदम से डाउन हुए, फटाफट से दुकान को बंद किया गया, एक और शटर डाउन होते हुए। कस्टमर अंदर है, हालांकि कस्टमर अंदर है, उनको अंदर ही छोड़कर शटर को डाउन किया गया। ये तस्वीर आप हांसी के भगत सिंह रोड की लाइव देख सकते हैं आप अपने चैनल पर। सिचुएशन इस तरीके से आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग ऐसे नहीं मान रहे तो एकदम से कैमरे को देखते ही शटर डाउन कर देते हैं। सुनील सैनी कह रहे हैं इसके आगे इलेक्ट्रिक शॉप ओपन है, कौन से सर? गौरव शेट्टी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन फ्री है प्रशासन। आप सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोग इस वक्त कंटिन्यूसली लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। बड़सी गेट की तरफ जाया जाएगा, समय की अगर मैं बात करूं तो 11:01 हो चुके हैं और दुकान बंद करने का समय आ चुका है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी इस वक्त ट्रैफिक क्लियर कराते हुए बिल्कुल अच्छे से, कोई भी रश नहीं होने दिया जाएगा, बड़ा विक्रम यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए किसी को कंट्रोल में लाया जा रहा है। आप देखिए इस वक्त की लाइव तस्वीरें मासी शहर की। कुछ लोग कह रहे हैं न्यू सब्जी मंडी के सीन भी, बिल्कुल दिखाएंगे सर आपको, बिल्कुल दिखाएंगे। बड़सी गेट के ऊपर का नज़ारा आप लोगों को मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। बहुत से लोगों की कंप्लेन आ रही थी पुलिस की टीम के पास भी, यहाँ बहुत सी दुकानें खुली नज़र आती हैं, कस्टमर्स को टेंड किया जाता है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि दुकानें तो काफ़ी हद तक बंद नज़र आई, लेकिन कम से कम जो दवाइयों की दुकान है उसके आगे थोड़ा सा रश भी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं जाते हैं मार्केट में कोई एसेंशियल सर्विसेज या कुछ लें, दवाइयाँ लें, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, निर्मित चुग मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोगों को लाइव तस्वीरें इस वक्त की मैं दिखाना चाहूँगा हांसी शहर की, लाइव अपडेट आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। आप लोगों की अगर कोई राय है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आप लोगों के सवाल ज़रूर लूँगा। दुकानें बंद होती नज़र आ रही हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो टीम जो है तो मुझे लगता है कि मार्केट में भी आएगी, लेकिन उससे पहले ही बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने शटर बंद कर दिए, शटर बंद कर दिए, दुकानें बंद हो रही हैं। लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट उतना तो समझ आ रहा है कि लोग स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, खुद उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है कि कोरोना जैसी महामारी में हमें सबको बचाना है, अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। आप लोगों को इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा हांसी शहर की। हांसी शहर की इस वक्त की लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बजरिया चौक प्रताप बाजार जिसे कहा जाता है, वहां से होते हुए हमें वापस से मार्केट को कवर करेंगे, क्या कोई रश पाया जाता है ये देखेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूँगा, हांसी शहर में जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक बंद नज़र आ रही है,
आप देख सकते हैं दुकानें संध्या झा मेरे साथ जुड़ी हैं, पूजा मनोजा मेरे साथ जुड़े हैं, आरती सचदेवा मुकेश झा मेरे साथ जुड़े हैं, अक्की गुज्जर मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पावा कह रहे हैं गुड जॉब, एडवोकेट अमन खट्टर कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सर। सुनील सैनी कह रहे हैं गुड जॉब सर, क्या आप शाम को भी कवर करते हो माथे? बिल्कुल करते हैं सर, और आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। एक दो दिनों से हम नहीं आ पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब हम आप लोगों को लाइव तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे आपके अपने शहर की। और कुछ और मुद्दे भी हैं, मेरे तक कुछ और कंप्लेन भी आई है, जिसे मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रशासन तक पहुँचाने की भी। स्टेशन आप देख सकते हैं इस वक्त, आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा रश नहीं है, आप देख सकते हैं। ट्रैफिक में मुझे लगता है कि बहुत कमी आई है, बहुत से लोग मान रहे हैं। आप देखिए तिकोना पार्क की तरफ अगर हम जाएं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पुलिस चौकी के सामने, गली में जाकर दिखाओ। कौन सी पुलिस चौकी सर? मुनीश टकराल कह रहे हैं तिकोना पार्क भी आ जाओ। तो आप लोगों को मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई इस स्टॉप की, और आप सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के अगर कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और गोविंद सिंगला मेरे साथ जुड़े हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। कार्तिक कपूर कह रहे हैं हेलो विपिन सलूजा। सर आप सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त की लाइव अपडेट आप सभी लोगों को मैंने दिखाई हांसी शहर की। कम से कम जो मार्केट है वहाँ पर मुझे स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक जल्दी नई लाइव वीडियो के साथ या किसी नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। मनोज शर्मा कह रहे हैं ये जो लोग घूम रहे हैं बड़े आराम से, इनको शायद किसी का डर नहीं है। पता नहीं सर, लेकिन जब चलान हो जाएगा तो डर भी होगा मन में, और कोरोना का डर भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिनों की बात हो रहा है, और जब अच्छे से इनका चलान किया जाएगा तो ज़रूर मानेंगे। सोनू कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी आप सभी लोगों के साथ लाइव वीडियो में मिलूँगा या किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी, थैंक यू सो मच।